नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और यह है सैमसंग लक्स S21 FE 5G डिवाइस। और आज के इस न्यू वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ S21 FE में मिलने वाले टॉप 15 न्यू फीचर्स, जो कि दोस्तों आपको वन यूआई 6 अपडेट के बाद देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने अपने फ़ोन को अपडेट नहीं किया है तो जाना है आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में एंड स्कॉल्टों के नीचे आना है एंड यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। एंड इसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन में देखने को मिलेंगे टॉप 15 न्यू फीचर्स। फीचर्स तो लगभग 25 से ज़्यादा थे, बट यहाँ पर जो 15 फीचर्स है ये मैंने अपने आप सिलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कौन कौन से वो फीचर्स देखेंगे वन बाय वन, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए सबसे पहला जो आपको फीचर्स देखने को मिलता है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पर आएंगे आपको क्विक पैनल लेआउट में, और ये जो क्विक पैनल लेआउट है आप इसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर एक आपको पेंसिल का बटन का आइकन दिखेगा, देख सकते हो ऊपर कॉर्नर पे, इस पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, टॉप फुल, तो यहाँ पर आप टॉप पे क्लिक करोगे तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं टॉप पे, अगर आप इनको हटाना चाहते हो तो माइनस के आइकन पर इस तरीके से क्लिक करिए, और यहाँ पर कोई और ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल डाटा ऐड करना चाहता हूँ तो इस तरीके से आप क्लिक कर दीजिए, एंड मुझे मोबाइल हॉटस्पॉट भी चाहिए तो इस तरीके से आप टिक करके डन कर दीजिएगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से फुल में आएंगे तो फुल में भी आप यहाँ पर इसको हटा सकते हो, मतलब माइनस के निशान पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है और ये हट जाएगा। एंड अगर आपको ऐड करना है तो कैमरा, जैसे कि यहाँ पे मैं टॉर्च एक्सेस करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं टॉर्च ऐड कर लूँगा और वन क्लिक में ये ऐड हो जाएंगे, डन कर लें। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, टॉप चाहिए तो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, और अगर फुल चाहिए तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं पे दोस्तों एक और न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, क्विक सेटिंग्स, देख सकते हो यहाँ पर, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्विक सेटिंग स्टैंड एक्सेस, इसको ऑन कर लीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस तरीके से टॉप लेफ्ट से आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो पहले आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस आएंगे, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड सिक्योर फोल्डर, जो भी नोटिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ब्राइटनेस देखने को मिले, फिर आपका ये क्विक पैनल लेआउट फुल व्यू में आएगा। बट अगर आप डायरेक्ट इसको फुल व्यू में एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप टॉप राइट कॉर्नर से इस तरीके से आप डाउन करेंगे, इस तरीके से इसका डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फुल में देखने को मिलेगा। एंड हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की दोस्तों, नोटिफिकेशन लेआउट है इसको इम्प्रूव कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएगी आप देख सकते हो इस तरीके से गैप होगा, एंड जो भी ऐप होगी जिसकी नोटिफिकेशन होगी वो यहाँ पर उसको आइकन्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, और यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा नोटिफिकेशन का आपकी सेटिंग में, इस पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर दोस्तों एडवांस सेटिंग्स में आपको जाना है, एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो ऐप आइकन इन नोटिफिकेशन, इसको यहाँ पर इनेबल कर लेना। तो अब यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसका ऐप आइकन यहाँ पर शो होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की, जो कि दोस्तों आपकी लॉक स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपने लॉक स्क्रीन पर इस तरीके से प्रेस करना है, एंड यहाँ पर दोस्तों अपना अनलॉक करना है फ़ोन को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ऑप्शंस आ रहा है ना, डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों तीन न्यू स्टाइल आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला देखिए, एक ये है और ये है, तो ये थ्री न्यू ऑप्शंस है। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, एंड ये जो डेट एंड टाइम है इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, इसको आप डन कर सकते हो। एंड अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की, दोस्तों पहले क्या होता था, किसी भी ऐप्स को दोस्तों हमको कहीं पे भी इस तरीके से ले जाना होता था तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम होती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आपको ऐप्स को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पर दोस्तों इसको ड्रैग करना है, एंड इस तरीके से आप अपने दूसरे फिंगर से इसको कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं इजीली, इस तरीके जैसे कि मैं कर रहा हूँ। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट फीचर है, इसमें आप दोस्तों ऐप्स के लिए भी शॉर्टकट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर सर्च बार पे क्लिक करोगे, मान लीजिए मुझे कैमरा निकाला और यहाँ पर मैं इस तरीके से प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर कैमरे में देखिए देख सकते हो आप यहाँ पर टेक सेल्फी रिकॉर्ड वीडियो टेक प्रोट्रेट, तो यहाँ पर अगर मैं टेक प्रोट्रेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो डायरेक्ट प्रोट्रेट मोड में कैमरा ओपन हो चुका है। एंड अब बात करते हैं अपने मोस्ट यूजफुल फीचर्स के बारे में, जो कि है दोस्तों ऑटो ब्लॉकर। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर आपको नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है, एंड यहाँ पर दोस्तों नीचे न्यू ऑप्शन आ गया है ऑटो ब्लॉकर, इस ऑप्शन को जरूर यूज़ करना, इसको आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको 5 यूजफुल फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, ओनली ऐप्स फ्रॉम ऑथराइज, जो दोस्तों उस वेबसाइट ऑथराइज होगी वहीं से आप ऐप्स यहाँ पर इंस्टॉल कर पाओगे। एंड इसके अलावा देख सकते हैं टर्न ऑन ऐप सिक्योरिटी चेक्स, जो भी आप ऐप्स इंस्टॉल करोगे उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर चेक होगी। एंड इसके अलावा ब्लॉक कम्युनिटी वाई USB केबल,
तो ये बहुत ज्यादा कमाल का फीचर्स है। अगर अपने फोन की प्राइवेसी को बढ़ाना चाहते हो तो इसको यहाँ पर ऑन कर लेना। दोस्तों अब आपको स्मार्ट सजेशन विजेट्स का एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप विजेट्स में जाओगे एंड यहाँ पर दोस्तों स्मार्ट सजेशन में क्लिक करोगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आप लगभग 15 ऐप्स अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, जितने ऐप्स आपको चाहिए इस तरीके से आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसमें सेटिंग्स में जाकर आप इसके जो वाइट है ब्लैक अप कर सकते हो। एंड इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से बढ़ा सकते हो एंड मैच विद डार्क मोड इसको भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको वेदर इनसाइट्स का न्यू विजेट्स देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम चलते हैं वेदर में। तो सबसे पहले हम विजेट्स में जाएंगे एंड यहाँ पर हम आएंगे वेदर में, तो ये है वेदर वाला, किधर गया, नीचे होगा, ये है वेदर। और यहाँ पर एक जो देख सकते हो आप, एक न्यू ऑप्शन आपको मिलेगा वेदर इनसाइट्स का, और इसको जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो एयर क्वालिटी इज़ वेरी पुअर एंड यहाँ पर डे बाई डे आप देख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर VNR सपोर्ट देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, हम कॉल करते थे तो हमारा जो फ़ोन होता था 5G से 4G में स्विच हो जाता था, बट अब यहाँ पर फ़ोन के सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है कनेक्शंस में एंड मोबाइल नेटवर्क में जाना है एंड यहाँ पर VNR वॉइस ओवर 5G जो लिखा हुआ है इसे आप इनेबल कर देना। अब क्या होगा दोस्तों, आप जब भी बात करोगे तो आपकी कॉल है 5G से 4G पे यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगी। तो अभी ये जियो में चल रहा है, मतलब जियो में ही ऑप्शन अवेलेबल है, जियो का अगर सिम यूज़ करते होगे, उसके अलावा और किसी में अप्लाई नहीं हो रहा है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की, जो कि है अलाउ नेटवर्क फॉर ऐप्स, बहुत कमाल का फीचर। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या है। तो अगर आप दोस्तों अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर कनेक्शन में जाओगे और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है डाटा यूसेज में एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अलाउ नेटवर्क फॉर ऐप्स। ये ऑप्शंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी मदद से आप दोस्तों जिस भी ऐप्स को चाहते हो जिस तरीके से यूज़ करना, चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर अमेज़ॉन है मान लीजिए, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो मोबाइल डाटा फॉर वाईफाई ओनली, मोबाइल डाटा ओनली। तो अगर आप मोबाइल डाटा और वाईफाई दोनों से यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप इसको वाईफाई ओनली पे लगा देंगे तो केवल ये जो ऐप्स है वाईफाई से ही यूज़ होगा और उसके अलावा किसी से भी यूज़ नहीं होगा। अगर मोबाइल डाटा ओनली पे लगा देंगे तो केवल मोबाइल डाटा पर ही यूज़ होगा। तो आप इस तरीके से अपने किसी भी ऐप्स को यहाँ पर, एंड जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है इसमें, आप गैलरी ऐप में क्विक एडिट डिटेल व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पर आप गैलरी में जाओगे, कैमरा में जाओगे और किसी भी एक फ़ोटो को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके अलावा यहाँ पर इस तरीके से आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, रिमाइंडर, प्रोटेक्ट इफेक्ट, ऑब्जेक्ट इरेजर। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे इस पर प्रोटेक्ट इफेक्ट ऐड करना, तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, मतलब तीनों जो ऑप्शंस हैं डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, एडिट में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर्स है वो है गैलरी ऐप का, जिसमें दोस्तों आपको गैलरी ऐप में एक न्यू स्टूडियो ऐप का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम गैलरी में जाते हैं, नीचे जो 3 लाइन्स है इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो गो टू स्टूडियो, इस पर अगर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर अगर आप क्लिक करोगे तो किसी भी यहाँ पर मतलब आप एडिट कर सकते हो किसी भी वीडियो को। इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ और डन करता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वीडियो एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीके से आपको वीडियो एडिटर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से इसको ट्रिम कर सकते हैं एंड इस तरीके से यहाँ पर आइडियो ऐड कर सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं एंड इसके अलावा दोस्तों उसका साइज है उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का लगा मुझे। एंड इसके अलावा दोस्तों आपको ऑटो स्कैन डॉक्यूमेंट्स का एक न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हमको सर्च करना है ऑटो स्कैन। तो यहाँ पर जैसे आप ऑटो स्कैन सर्च करेंगे तो देख सकते हो कैमरा सेटिंग्स का एक ऑप्शन आ जाएगा, ऑटो स्कैन लिखा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऑटो स्कैन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आप किसी भी चीज़ को स्कैन करोगे तो उसको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पर स्कैन हो जाए। एंड कैमरा ऐप में आपको एक न्यू फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कैमरा में जाएंगे और फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, देख सकते हो आप, और यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है वो ऑप्शन, स्विप अप डाउन टू स्विच अप कैमरा। तो इसका अगर आप इनेबल कर दोगे तो क्या होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं फ्रंट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा, ये फ्रंट हो जाएगा एंड बैक करना चाहता हूँ तो इस तरीके से बैक चला जाएगा, अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करेंगे। सो फ्रेंड, कुछ ये थे फीचर जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। अगर आपका फ़ोन लैग कर रहा है या फिर हीटिंग इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑलवेज सेट करो। नेक्स्ट वीडियो में यही प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।